मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा कि जो अग्नि स्वयं पाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए कभी भी नहीं पचेगा। स्वयं पाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयं पाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में पेट स्थान मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है, पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं। हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है, और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है, और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे, और पचने के बाद उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतना उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। आयुष पर सबसे ज्यादा रिसर्च भागवत जी ने किया, चरक ने किया, सुश्रुत ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा भागवत ने किया, और सबसे ज्यादा सूत्र इस विषय पर फिर उन्होंने ही लिखे, इसलिए उनके शास्त्र जिसका नाम है अष्टांग हृदय उसमें से निकालकर दो तीन सूत्र बताता हूं कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसके लिए अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए, इसके लिए सूत्र है। सूत्र क्या है, आपकी अगर पेट में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो रही है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच्छे से पच रहा है, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन से ऐसे तत्व है जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है, कौन कौन से ऐसे तत्व है जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं तो आपको तुरंत ये ध्यान में आएगा, आपके स्वयं पाक घर में आपने भोजन बनाना है, मान लीजिए खीर बनानी है, आपने दूध और चावल दोनों मिलाकर रख दिया, आपकी गैस जल रही है, बर्नर ऑन है और वो खीर बन रही है। अब अगर मैं इस बर्नर को जलते हुए पानी डाल दूं, आपकी खीर पक रही है, आग जल रही है, मैं भोजन किया, फिर गट 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 लोटे पे लोटा पानी पीना शुरू कर दिया, अब क्या होगा, अग्नि बुझेगी क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है। अब लोटे पे लोटा पानी पीते जाएंगे तो अग्नि तो बुझ गई, अब भोजन कैसे पचेगा, स्वयं पाक घर में भोजन कैसे बनेगा, अगर अग्नि बुझ गई पानी डाल दिया तो वहां जो स्थिति है वो ही पेट में हो जाएगी, और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा, सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन भागवत ऋषि के अनुसार 103 रोग पैदा करेगा, एक नहीं 103। आयुर्वेदिक उपचार के सभी दर्शकों को सादर वंदे।
दोस्तों, यदि आपको भी भाई श्री राजीव दीक्षित जी के इन दुर्लभ व्याख्यानों से लाभ पहुंचा है तो नीचे जय श्री राजीव दीक्षित, जय गो माता, वंदे मातरम लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने अपना बेशकीमती समय निकालकर भाई श्री राजीव दीक्षित जी के ये अद्भुत व्याख्यान सुने एवं इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, आज के इस समय में केवल इन व्याख्यानों को देखना या सुनना ही काफी नहीं है। इन दुर्लभ व्याख्यानों को आप अपने चित परिचित एवं दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चीजों का महत्व समझ सके एवं इनका लाभ उठा सके। इसी के साथ जय राजीव दीक्षित, जय गो माता, वंदे मातरम।